नॉट ए नॉर्मल फॉर्च्यूनर सिंगल नली नहीं आ रही की प्लेट आज नली मेरे हाथ में ही नहीं आना चाह रही है बोलिए मैं नहीं आऊंगी मशहूर कारसाज है जहाँ पे चुड़ैल होती है आपको नहीं पता क्या अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक ठाक करिए से बॉयज कराची में आज हमारा मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा दिन है और रात को कल रात वाले ब्लॉग में आपको पता है हमें गेस्ट हाउस की जलालत पड़ गई थी उसके बाद बड़ी मुश्किल से बहुत ही जद्दोजहद के बाद हमें ये गेस्ट हाउस मिला था थोड़ा सा ओवर प्राइस था हमारे बजट से बाहर था लेकिन हमने कहा कि यार वी हैव टू क्रैश समवेयर तो हम यहीं पर रह लेते हैं और थोड़ा दूर भी था साथ के ऑफिस से आज के ब्लॉग के दो मकसद हैं एक फॉर्च्यूनर किसको नहीं पसंद आजकल दूसरा कराची के खाने वक्त का मुकाबला सकता है आज दोनों चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे कराची के खाने ऑन अ फॉर्च्यूनर तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग इस चैनल का हिस्सा नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो और इंस्टाग्राम भाई को फॉलो भी कर सकते हो लेट्स गो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग और चलते हैं सीधा ध्यान भाई की एचबीएल की बिल्डिंग काफ़ी लंबी है यार गुड यार Boys, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे मार्कोर इज रेडी यार इसका नाम आपने मार्कोर रखा हुआ है भाई मार्कोर तो ये इनका रहा मार्कोर और ये डिजर्व करता है वैसे आपस की बात है दूश और डशकरा लगता है ये और इसकी सस्पेंशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएंगे दिस इज अ मॉडर्न फॉर्च्यूनर नॉट अ नॉर्मल फॉर्च्यूनर इसके अंदर क्या क्या हुआ हुआ है सारी आपको जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे ये चेक कर रहे हो यार काफी ऊंची है यार बहुत ज्यादा ऊंची है बैठना भी मुश्किल काम है चलें जी सफर स्टार्ट करें अपना ये कौन सा है रियान भाई ये 2022 मॉडल सिग्मा है तो ये मुनीब भाई भी आ गए मुनीब भाई को पिक करना एक तो मोटरसाइकिल आ जाए ना करीब तो थोड़ा सा वैसे आपने वो गाना सुना है मेरी 125 में नहीं मैंने वो नहीं सुना मैंने वो सुना है आज भी मेरे ख्यालों की तरह हम लोग चलते हैं निहारी खाते हैं उसके बाद हम खाते हैं निहारी कौन सी ये चीज अगली बात अगर उसके साथ मीठा खाना है तो रबड़ी बराबर से खिलाते हैं आपको उसके बाद हम चलते हैं अंडे वाला बर्गर खाते हैं क्योंकि कराची है और अंडे वाला बर्गर नहीं खाया तो ऐसे मजा नहीं है भाई मेरे को अंडे वाला बर्गर भाई जान आज मजा आने वाला है मुझे ना सोच के मजा आ रहा है भूख इस कदर लगी है ना तो वो मुंह में पानी आ रहा है सोच के रात वाला आइटम बड़ा टाइट है ठीक है वो क्या वो बहुत डिफरेंट है वो है फिश कटाकट तो भाईजान लिस्ट जो है ना बड़ी लंबी है कराची के खानों की और आज का दिन है हमारे पास सही है कल परसों भी हम ट्राई करेंगे लेकिन आज के दिन में जितना हम खा सकते हैं ना हम खाएंगे ठीक है ये मैं मुझे लग रहा है मैं 2-4 किलो बढ़ा के ही जाऊंगा लाहौर वापस और घर वालों ने पहचानना नहीं है तुझे क्या हो गया सिंगल नली में आ रही एक शीरमा ले यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नली जो जिन्होंने नली निहारी खानी होती है वो ये डलवाते हैं दिस इज बीफ बोटी जो कि निहारी में थोड़ी सी डाल के और साथ आपको ग्रेवी ऐड करके देते हैं अगर आपने मगज वाली निहारी खानी है तो यहाँ से मगज भी ऐड करवा सकते हो गुड सीन देख के ही मुंह में पानी आ रहा है निहारी आ चुकी है और अफसोस पता क्या हो रहा अभी देख के सिर्फ एक ही आई है पता नहीं क्या करेंगे यार मुझसे रहा नहीं जा रहा ऑनेस्टली लेकिन मुझे तो एक भी ज्यादा लग रही है ब्रो क्योंकि जितनी लंबी हमारी लिस्ट है उसके साथ एक भी बहुत ज्यादा है ठीक है ये तो खाते रहते हैं यार खुश नसीब है हम कहां भाई बचपन की यादें सही है तो सबसे पहले तो हम टेस्ट करते हैं रियान भाई आप भी पकड़ो यार प्रोफेशनल लग रहा हूं ना मैं भाई चस आ गई मिर्ची मैं नहीं खाता आप कहते नहीं बॉयज सबसे पहली बाइट लेने जा रहे हैं हम सही है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ओए ओए छोड़ दे सारे जो पैसे हैं ना वो है इसके नली के नया नया फूड ब्लॉगर बनाऊँ ना तो पता नहीं है कैसे रिएक्ट करना है अच्छा आपने इसके साथ ट्राई कर लिया इसके साथ ट्राई करें ये है शीरमाल ये थोड़ा सा मीठा होता है लेकिन आपको मज़ा आएगा आज नली मेरे हाथ में ही नहीं आना चाह रही है बोलिए मैं नहीं आऊँगी जाहिद और जावेद में ऑनेस्टली फ़र्क मुझे फील हुआ है ये इधर रहते हुए इन्होंने जाहिद नहीं टेस्ट की लेकिन ये जब जावेद ने आ रही फैन छड़ दे उन्हें कर दो उसकी गल कर मुझे ऐसा लगा कि उसके स्पाइसेस थोड़े तेज थे इसके स्पाइसेस थोड़े नॉर्मल हैं और मज़ा आ रहा है मतलब इसमें भी ये, 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 ये,
बंदे को भूख लगी हो ना डबल मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ खा के। अच्छा यहाँ पे उन लोगों का कोई काम नहीं है, ओह सो ऑयली, उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। यार सच्ची में यार शेरमाल के साथ जस्ट परफेक्ट। भैया और भी बहुत कुछ ट्राई करना है लेकिन हाथ रुक ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? यकीन मानो मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे ये कहानी है। कहानी वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। यार क्या मजेदार जिंदगी है भाई, ले जाओ ये डालो यहाँ से। हर बाइट से पहले हर बंदा कह रहा है लाज, लेकिन हाथ नहीं रोका यार। देखो इसका लास्ट लास्ट कहते हैं देखो क्या किया इसने। सो बॉयज ने हारी, हमने खा ली है, अब बारी आ गई है सुपर बर्गर की, अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर हम खाने आए हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है भाई? ये है फेरी बी एरिया में ही लोकेटेड है, बिल्कुल वाटर पंप चौरंगी है, वाटर पंप चौरंगी है उसके ऊपर महमूद स्वीट्स के बिल्कुल ठीक है। इज इट द बेस्ट अंडे वाला बर्गर इन कराची? बेस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मुझे पता है यार ये जो बंदा है उसकी पहले एक ठेले से शुरू किया था, आज इसकी 6 दुकानें हैं। हमें बहुत पसंद है और ये कितना अच्छा है इसका मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि एक दिन मुनीब ने, ये मुनीब ये जो पीछे बैठा है, ये मुनीब भाई 8 अंडे वाले बर्गर खा गए थे एक ही। अल्लाह अकबर, मुनीब भाई क्या बना आपको उस दिन? यार बहुत थके हुए थे, पता नहीं कोई इवेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा। इकट्ठे खाए थे ये 7-8 बर्गर साथ, मतलब मैं और अच्छा खाली इसने 8 नहीं खाए थे, एक बिल्कुल पतला दुबला हमारा एक और दोस्त था ठीक है, उसने इसके साथ बैठ के 5 या 6 खाए थे, उसने उसको 4 खिलाए थे। टोटल आप लोगों ने 13 बर्गर अंडे वाले खाए थे मिलके, तो हमने ज्यादा नहीं खाने, ऐसा कोई चैलेंज आज नहीं कर रहे, फिर कभी किस्मत ने चाहा तो ऐसा चैलेंज करेंगे मुनीब भाई के साथ मिलके कि कौन सबसे ज्यादा अंडे वाला बर्गर खाता है। एनीवेज अंडे वाला बर्गर आता है तो आपको अंडे वाले बर्गर का दीदार करवाते हैं और खुद भी खाते हैं और आपको भी बताते हैं कैसा टेस्ट है। कि ये बता रहे हैं मतलब अभी मुझे बता रहे थे कि पता नहीं 30,000 रुपया बिल बनता था इनके एक महीने का, 27,000 रुपए सबसे ज्यादा बिल बना था एक महीने। शायद किसी को इतराज हो, शायद रियांदे को भी इतराज हो, लेकिन आई हैव हैड बेटर शामी बर्गर इन लाहौर, अब आपको खिलाऊंगा। फिर आप मुझे बताना सुपर बर्गर अच्छा है ये, ठीक है? ये नहीं कि ये बुरा है, कंपैरेटिवली आई हैव हैड बेटर शामी बर्गर। शामी बर्गर भी खा लिया, अब थोड़ी सी गाड़ी के रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार फॉर्च्यूनर है, मैंने आपको बताया है, टेक रैप है, आर्मी ग्रीन कलर, आर्मी ग्रीन है यार इसको कोई सेटिन सम ग्रीन बोलते हैं, आर्मी एग्जैक्टली मिलिट्री ग्रीन नहीं बोलते, आर्मी ग्रीन ग्रीन नहीं है लेकिन उसी का एक शेड है, उसी की फैमिली का एक कलर आप कह लें। और मैट रंग है, बड़ी ही एक इसकी यूनिक प्रेजेंस रोड पर, बड़ी यूनिक है इसकी, सड़क पे चलती है आपको एक लगता है कि यार कोई वखना नहीं होता वो स्कूल में सबसे बड़ा, जिस तरह की भाई की फिजिक है ना इसी तरह की गाड़ी है भाई, इसी के लिए बनी है ये गाड़ी। ऑनेस्टली इसने अपने कैरेक्टर के हिसाब से ये गाड़ी तैयार की है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सड़क पे चलती है जितनी ये शहजादी और अलग लगती है ना, ये शायद ही कोई और फॉर्च्यूनर मतलब सादी लाए खड़ी कर दोगे तो वो नहीं लगेगी। सादे फॉर्च्यूनर में और इस गाड़ी में फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है ये आपको खुद बताएंगे, सस्पेंशन में है, रिम टायर में है, बहुत सारी चीज़ों में है। तो भाई रियान भाई फटाफट बता दें हमें इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हैं एक आम फॉर्च्यूनर से और इसमें। अच्छा इसमें जो सबसे नोटिसबल चेंज है वो है इसका फ्रंट बम्पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेड भी मिलता है। लेकिन भाइयों देखो समझो एक चीज़ ना, मैं एक नॉलेजेबल इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थाईलैंड और मलेशिया में ये ट्रेंड है और ये थाईलैंड से इम्पोर्ट किया गया है, और हैमर का ये फ्रंट बम्पर है और ये बड़ी मशहूर कंपनी है जो कि हर 4x4 के लिए ये वाला बम्पर बनाती है। ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, हम नहीं करते लेकिन कभी ना कभी तो हम करते हैं ना, और एक लुक अचीव करना था हमें, हम वो थाई और मलेशियन लोगों से बहुत इंस्पायर थे। सेकंड अगर आ जाएं तो इसमें आप अगर फ्रंट की बात करें तो आपको एक LED बार देखने के लिए मिलेगा फ्रंट बम्पर में, और ये सामने ये जो अच्छा जो एंटेना है, अच्छा एंटेना का जो है ना ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोग शशके के लिए लगाते हैं, मैंने भी शशके के लिए लगाया था, लेकिन मेरे एक 4x4 वाले भाई हैं सरमत, उन्होंने मुझे बताया कि बेसिक इसका मकसद होता है कि अगर आप किसी ऐसे टर्नल में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी की छत टकरा सकती है तो एंटेना पहले ही टकरा जाएगा। यू कैन टेक एन आइडिया कि क्या, क्योंकि आपकी गाड़ी लिफ्टेड है तो या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि हो सकता है किसी क्लोज पार्किंग में जा रहे हो अंडरग्राउंड। नहीं मैंने DHA साइड पे देखा है, वो जो पुराने जमाने में होता था ट्रक्स और बसेस को बाहर रखने के लिए पोल, बिल्कुल दोनों साइड पे तो काफी है, तो उधर से गुजर जाती गाड़ी आपकी जी, गुजर जाती सही है। इसमें मड ट्रेन टायर्स हैं, इसमें जो है जो रिम्स हैं वो हमारे पास मेथड के व्हील्स डले हुए हैं,
और सस्पेंशन पे आ जाऊँ तो सबसे जो जो चस वाली चीज है वो सस्पेंशन है इसकी। और इंटरेस्टिंग बात इस बारे में ये है कि जितने की ये गाड़ी मॉड हुई है ना उतने की एक ऑल्टो आ जाती है। अब बताएं आप क्या आपने सस्पेंशन में इसको लिफ्ट कैसे किया? इसकी जो सस्पेंशन है इसमें पूरा RS रेसिंग का सस्पेंशन लगा हुआ है जो कि एडजस्टेबल है, और इसके साथ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए एक पाइप होता है और पाइप के साथ एक्स्ट्रा रिजर्वायर होता है जिसके थ्रू आप इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस हर शॉक की अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम जैसे कि किसी ऐसे ट्रेन पे जा रहे हैं जहाँ स्टिफ गाड़ी की ज़रूरत है तो हम इसको स्टिफ कर सकते हैं। नॉर्मल अभी ये सबसे ज़्यादा कम्फर्ट वाली सेटिंग पर है और आपको बम्स वम्स में खुद महसूस हो रहा होगा। हम इतने दिनों से कराची घूम रहे हैं, 2-3 दिन हो गए, यहाँ पे क्या हाल है रोडों का, और मतलब नहीं उसके लिए तो ये गाड़ी आइडियल है। तो उसके हिसाब से ये, उसके अलावा अच्छा जब हमने ज़्यादा लिफ्ट की एक्सट्रीम तो हमारा फ्रंट का जो कंट्रोल आर्म है वो शॉक पे लगना शुरू हो गया, तो हमने फ्रंट में एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म भी डाले हुए हैं। उन एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म और सस्पेंशन की वजह से मैंने अंडरग्लो लाइट्स लगाई हुई हैं फेंडर्स के अंदर ताकि सस्पेंशन दिखे। पैसा लगाया तो दिखना चाहिए, इससे मजा नहीं है। सही है, तो अच्छा, बेसिकली मेजरली जो है वो शॉक्स अपग्रेडेड है। शॉक्स अपग्रेडेड है, अभी मैं बाकी इंजन के ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा, इंजन को ऐसे हमने ट्यून नहीं किया जबकि ये इंजन बड़ा ट्यूनेबल इंजन है। ये सिर्फ बोल्ट ऑन्स के साथ यू कैन गो अप टू 350 हॉर्स पावर, 400 हॉर्स पावर। और डीजल इंजन में वैसे भी पोटेंशियल बहुत होता है, ये भी बता दें बिल्कुल ऐसे इसको अगर ट्यून करें तो डीजल इंजन के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है। तो फुल्ली फुल बोल्ट ऑन के बाद साथ में बात कर रहा हूँ इसमें, जिसमें सब कुछ होगा, टर्बो भी अपग्रेड होगा। राइट नाउ मेरे पास इंजन पूरा मेरा स्टॉक है, सिर्फ मेरे पास HKS का कैटबैक एग्जॉस्ट डाला हुआ है, ठीक है, और उसके साथ साथ ड्रॉप इन फिल्टर डाला हुआ है। ड्रॉप इन फिल्टर ने बड़े अमेजिंग रिजल्ट दिए मुझे, ठीक है। ये आम फिल्टर से इसमें फर्क क्या होता है ये बता दें? ये ड्रॉप इन फिल्टर बेसिकली होता है कि सादे फिल्टर जो है वो आपको हर बार ही नया डालना है। इसको आपने क्या करना है, अगर कम चलिए गाड़ी हर 5,000 के बाद आप इसको हवा लगा लें, और जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा गंदा हो गया डिपेंड अपॉन द योर एनवायरनमेंट, इसको आप वॉश करके वापस सुखा के लगा दें गाड़ी में, बेहतरीन। तो वो भी एक परफॉर्मेंस अपग्रेड होती है, मुझे काफी थ्रॉटल रिस्पॉन्स में बेहतरी महसूस हुई ड्रॉप इन फिल्टर के बाद। इसके बाद अगर मैं इंटीरियर पे आऊँ तो इंटीरियर में काफी मेजर अपग्रेड्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो ये ब्लैक इंटीरियर नहीं आया सिग्मा में, ये आया लेजेंडर से। ये ब्लैक इंटीरियर हमने खुद किया है, खुद की है, सही है। साथ में स्वेड की पूरी रूफ है और उसके साथ शूटिंग स्टार्स के साथ हमारे पास पूरी आपका जो है ना स्टार रूफ है, और अंदर एम्बिएंट लाइटिंग है हमारे पास, जिसे आप देख सकते हैं, वही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं दोनों चीज़ों को मोबाइल ऐप के थ्रू। स्टेयरिंग की बात करूँ तो फोर्ज कार्बन फाइबर में स्टेयरिंग बनवाया था मैंने गोल्ड एक्सेंट के साथ ना, थोड़ी सी वैसे चस देना चाह रहा था, अरबियों वाली फीलिंग देना चाह रहा था। आपने जब शुरू में करवाया था मैंने सोचा था इसे क्या करवा लिया, लेकिन लाइव देखते हुए मुझे फील हो रहा है कि ये अच्छा लगा, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी को। हमारे पास बूस्ट का गेज लगा हुआ है इधर, ठीक है। टर्बो होती है गाड़ी तो जरा वो बड़ा खूबसूरत लगता है ना, देखें जब मैं पेडल दूंगा तो आप देखें ये बूस्ट जो का गेज जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज जो बड़ी नोटिसेबल है, आप अपने पाँव में देखें मैट्स, मैच ये कस्टम मैट्स है और इसमें हमने एक पूरा 3D में मार्कोर बनवाया और वो हमने प्रिंट कराया है मैट्स के ऊपर। 7D मैटिंग हुई है, सराउंड साउंड सिस्टम डला हुआ है इसमें, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा डला हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में सुनवाता हूँ। मशहूर कारसाज है जहाँ पे चुड़ैल होती है, आपको नहीं पता क्या? अब मेरे जितने सिंगल दोस्त हैं और रात को आके ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक कब्रिस्तान आएगा बैक टू बैक दो, ठीक है। और ये जगह मशहूर है वो कारसाज की चुड़ैल के लिए, बड़ी मशहूर स्टोरी है भाई, यूट्यूब पे भरी पड़ी है, गूगल पे भरी पड़ी है, एक आध बंदे ने सच्ची में देखी हुई है। उसके चक्कर में हमारे दोस्त रोज रात को निकल जाते हैं। तेरे को डर नहीं लगता? तो बॉयज वी आर एट सिल्वर स्पून स्नैक्स, यहाँ से बीफ बिहारी रोल हमने मंगवा ली है, वो खाते हैं अब, ये लास्ट चीज़ है, मेरा तो पेट भर गया भाई, मैं और नहीं खा पाऊंगा। रियान भाई अगर खाएंगे तो वही खाएंगे। नहीं भाई, अभी आपको बहुत कुछ खिलाना है। ओ भाई साहब, हेलो, ये खाते हैं तो फिर आपको बताते हैं आगे कैसे है। भाई 2 मिनट में आ गए यार, आप पकड़ो ना अपना अपना हिस्सा। ये चेक करें गाइस, बीफ बोटी है, सॉस है, और मेरा ख्याल है बस प्याज, बीफ बोटी, सॉस है। खुद थोड़ा थोड़ा खाई जा रहे हैं, मुझे खिलाई जा रहे हैं सारा, खुद खा रहे हो। मैंने आपको बहुत रोका था निहारी के टाइम पे, जानी नहीं नहीं नहीं, आपने कहा नहीं, एक और एक और एक और। तो बॉयज ये 1 डिग्री से कुछ आया, क्या आया भाई? यार ब्रो ये पीछे, ये हमारा अपना क्रिएट करता फ्लेवर है, हर ब्रांच पे जाके हम इनको बोलते हैं
लीची लेमन मिक्स करके दे दो। अच्छा आज ना रिहान भी पकड़े नहीं जा रहे, कल कल जी पे निकले हुए थे ना, बड़े सहमे सहमे की यार इधर उधर गाड़ी को कुछ ना हो, ठीक है से मैनुअल आज, आज फॉर्च्यूनर पे ठीक है फुल, ओ तेरी ऐसी की तैसी है, हू आर यू, कंफर्ट जोन में हूं मैं आज अपनी। ओ भाई मैं आपको बता रहा हूँ आज का दिन डिफाइंस के यू आर व्हाट यू ड्राइव, कसम खुदा की आज इस बंदे को देख के ये चीज रियलाइज हो गई है, यू आर व्हाट यू ड्राइव। आज फॉर्च्यूनर चला रहा है ऊंची गाड़ी, दिस पर्टिकुलर कार इट फील्स लाइक इट इज पार्ट ऑफ माय नॉट माय लाइफ बट माय सेल्फ ना, ठीक है मेरा पार्ट है ये गाड़ी। तो मैंने आपको जैसे कब बताया ये गाड़ी और रेहान दोनों इज सेम, ये गाड़ियों की रेहान है, गाड़ियों की गाड़ियों का रेहान बोलो मालिक। सो वॉइस अपडेट ये है कि इस वक्त हम रेहान भाई का फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। जो रेहान भाई में एटीट्यूड आया पता वो हमारे में भी एटीट्यूड आ गया है, साइड पे हो जाए सारे पास, अब यही है दिमाग में आ रहा कि भाई आई एम द किंग ऑफ द सिटी। रेहान भाई ना फुल एटीट्यूड में चल रहे हैं, वो कहते हैं मुझे कोई बंदा दे दो मैं रगड़ जाऊंगा उसको, खा पी जाऊंगा। खैर एनीवेज बॉयज फॉर्च्यूनर एंजॉय हो रहा है, शहर को एंजॉय कर रहे हैं, ड्राइव शाइव कर रहे हैं। अभी हमने एक भाई से मिले हैं कम्युनिटी के बड़े पुराने, फैसल भाई थे रेहान भाई ने उनको उनसे मिलवाया हमें, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अभी ये खलीम भी खाई है उनके साथ तो वो भी बड़े मजे की थी, उसका मैं उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, फिर किसी ब्लॉग में इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड करेंगे। इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि आगे भी कुछ प्लान्स हैं, लंबी रात है, रात अपनी बात अपनी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में करेंगे, लेट नाइट क्रूज अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, मजे का ब्लॉग होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अगर आप लोग इस चैनल का हिस्सा नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।